हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी स्वनिका वर्मा। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एसएलवी क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन यूजीसी नेट सीआरएफ। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वी नीड टू नो अबाउट कंज्यूमर। हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? देखते हैं कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर इज वन हु buys any goods for a consideration and includes a higher purchaser। कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स खरीदता है अपने यूज के लिए, उसके गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो खरीद रहा है, वो अवेल करने के लिए खरीद रहा है, इसका वो विचार करता है, उसमें क्या होता है कि हायर परचेजर भी इंक्लूड्स होते हैं। हायर परचेज जो करते हैं वो हायर परचेजर होते हैं। मीन्स जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे किस्तों में खरीदते हैं, वो भी हायर परचेजर में ही इंक्लूडेड होते हैं। तो कंज्यूमर वो भी हो सकता है। एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन बट एक्सक्लूड वन हु ऑप्टेन फॉर रीसेल और फॉर कॉमर्शियल पर्पज। सारे भी जो गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए खरीद रहे हैं, उसको अवेल करने के लिए खरीद रहे हैं, वो सारे ही कंज्यूमर हैं, बट एक्सक्लूड्स वन। उसमें कौन कौन से एक्सक्लूडेड हैं देखते हैं। हु ऑप्टेन फॉर रीसेल और फॉर कॉमर्शियल पर्पज, जो भी व्यक्ति उसको रीसेल करने के लिए खरीद रहा है या तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए खरीद रहा है, उसको एक्सक्लूड करके जितने भी हैं वो सारे ही आपके कंज्यूमर हैं। हायर्स अ सर्विस फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स अ बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विसेज इफ अवेल्ड ऑफ विथ द अप्रूवल ऑफ द हायर। हायर करता है इसमें सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए एंड इंक्लूड्स अ बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इफ अवेल्ड, अगर वो अवेल्ड है तो उसको अप्रूवल किया जाता है हायर, और जो हायर करते हैं वो उसके जरिए उसको अप्रूवल मिल जाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी एंड सर्विसेज। डेफिशिएंसी से हम क्या समझते हैं? डेफिशिएंसी मीन्स होता है कमी, किसी चीज़ की कमी, और सर्विसेज वो होता है जो हम लोग देते हैं किसी को या किसी से लेते हैं। सो कम टू द पॉइंट, डेफिशिएंसी मीन्स अ फॉल्ट, गलती, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग और इनएडिक्वेटली इन क्वालिटी, नेचर और मैनर ऑफ परफॉर्मेंस दैन इज रिक्वायर्ड। ये सारे क्या हैं, उसके मीनिंग है। नाउ सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज इंक्लूड्स सर्विस इन कनेक्शन विद बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड अदर एनर्जी, बोर्डिंग, लॉजिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट्स और परवेइंग ऑफ न्यूज एंड अदर इंफॉर्मेशन। सर्विसेज जो भी अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है आपको, बैंक्स में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एंड अदर एनर्जी, बोर्डिंग, लॉजिंग, अगर कोई बोर्डिंग कर रहा है, लॉजिंग कर रहा है, हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहा है, इंटरटेनमेंट रिलेटेड जैसे एम्यूजमेंट पार्क में भी कुछ सर्विसेज मिलती है, तो ये सारे जो हैं ये सर्विस हैं जो कि हम लेते हैं या तो किसी को देते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी सर्विसेज है उसमें फ्री ऑफ चार्ज कोई भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं, और अंडर अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, और कोई भी पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी नहीं होता है। इसमें सारे जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, उससे कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ कंप्लेंट? कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट से क्या समझते हैं? कंप्लेंट होता है आपका जैसे कोई शिकायत कर रहा है, तो वो आपका कंप्लेंट हो गया। एन एलिगेशन इन राइटिंग बाय अ कंप्लेनेंट दैट, एक ये ऐसा एलिगेशन है, आरोप है, जो कि कंप्लेनेंट के जरिए लिखा जाता है। कंप्लेनेंट वो होता है जिसने कंप्लेन किया है। एन अनफेयर और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस बाई ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। अगर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या तो ट्रेडर है, उसने गलत तरीके से ट्रेड किया है, या तो अनफेयर तरीके से या तो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से ट्रेड किया है, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लेनेंट कंप्लेन कर सकता है कि उसको
जो भी मैन्युफैक्चरर या तो जो भी ट्रेडर है उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि उसने ऐसा ऐसा किया है, अनफेयर प्रैक्टिस किया है या तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस किया है। गुड्स बॉट और टू बी बॉट और सर्विसेज हायर्ड और टू बी हायर्ड सफर्स फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। अगर कंप्लेनेंट ने सर्विस प्रोवाइडर या तो ट्रेडर से कोई भी गुड्स खरीदा है तो उसमें कुछ भी कमी है, डेफिशिएंसी है, या तो सर्विस हायर्ड करने में या तो किसी भी चीज़ में भी कमी है, तो वो कंप्लेनेंट कंप्लेन फाइल कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर हैज़ चार्ज एक्सेस प्राइस। अगर ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर जो है एक्सेस प्राइस चार्ज कर रहा है तो भी कंप्लेनेंट क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कि वो एक्सेस अमाउंट में फी मतलब जो भी है प्राइस वगैरह वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले रहा है, इस वजह से मुझे कंप्लेन फाइल करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये कंप्लेन फाइल हो सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर हैजर्डस और आर लाइकली टू बी हैजर्ड टू लाइफ एंड सेफ्टी। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ख़तरनाक हैं, या तो ज़िंदगी के लिए, आपके सेफ्टी के लिए, आपके लाइफ के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं, तब भी कंप्लेनेंट जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है सर्विस प्रोवाइडर के तहत, और जो भी मैन्युफैक्चरर जो भी ट्रेडर है उसके ऊपर वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ कंप्लेनेंट। पहले हम लोगों ने जाना कि कंप्लेंट क्या होता है, अब जानेंगे कि कंप्लेनेंट क्या होते हैं। कंप्लेनेंट आप बोल सकते हैं कि कंज्यूमर, वो कंज्यूमर जो कंप्लेन फाइल करते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर या तो किसी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के ऊपर, वो कंप्लेनेंट होते हैं। जो भी शिकायत करते हैं वो कंप्लेनेंट होते हैं। जैसे स्कूल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो जो भी स्टूडेंट दूसरे बच्चे का शिकायत कर रहा है तो जो स्टूडेंट कर रहा है शिकायत वो कंप्लेनेंट होगा, और शिकायत को हम लोग जानते हैं कि कंप्लेंट बोलते हैं। तो कंप्लेनेंट क्या है, कंज्यूमर है। स्टूडेंट वाला मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, यहाँ पर कंप्लेनेंट कौन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपके कंज्यूमर हैं। एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। कोई भी वॉलेंट्री कंज्यूमर जो भी रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनी एक्ट के और एनी अदर लॉ के तहत, अगर वो रजिस्टर्ड है कोई भी वॉलेंट्री कंज्यूमर, तो वो कंप्लेनेंट कहलाएगा। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इफ इट मेक्स अ कंप्लेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है यदि ये शिकायत करते हैं तो भी वो कंप्लेनेंट कहलाएंगे। वन और मोर कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट। अगर वन और मोर मतलब एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर के सेम इंटरेस्ट होते हैं तब भी वो कंप्लेनेंट में आएंगे। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हिज लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव। अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसने जिसको भी हायर किया है लीगली या तो रिप्रेजेंटेटिव को, उसके जगह पर वो कंप्लेनेंट कहलाएंगे। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अराइजेस व्हेन अ कंप्लेंट इज डिनाइड और डिस्प्यूटेड। कंज्यूमर डिस्प्यूट कब अराइज होता है, जब भी कंप्लेंट क्या हो जाता है, डिनाइड इनकार कर दिया जाता है, तब कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अराइज होता है। कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी वाद विवाद होते हैं वो तभी अराइज होते हैं, तभी आते हैं। मशीनरी अंडर द एक्ट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल CCPC किसने एस्टैब्लिश किया है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ही एस्टैब्लिश्ड हुआ है। नाउ नेक्स्ट, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल किसने एस्टैब्लिश किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। SCPC किसने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। नाउ नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल किसने एस्टैब्लिश किया है, आपका टू बी एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये भी स्टेट गवर्नमेंट ने ही किया है, बट सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये हुआ है DCPC। नाउ नेक्स्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी। रिड्रेसल से क्या समझते हैं, निवारण जो है
डिस्प्यूट्स के, जो भी लड़ाई झगड़े विवाद के होते हैं, निवारण उसमें देखते हैं क्या है। देयर आर कंज्यूमर फोरा एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। कंज्यूमर फोरा कितने में डिवाइड है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल में डिवाइड है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है? एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट फोरम में होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिलेटेड, स्टेट कमीशन में होता है स्टेट लेवल से रिलेटेड, नेशनल कमीशन में होता है नेशनल लेवल से रिलेटेड। नाउ प्रिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन में देखते हैं क्या आता है। फोरम वेयर कंप्लेंट्स कैन बी इंटरटेन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंपनसेशन क्लेम्ड। इसमें क्या आता है? जो भी अधिकार है वो फाइनेंशियली, फाइनेंस से रिलेटेड है, धन संबंध रिलेटेड है सारे अधिकार जो हैं, अधिकार क्षेत्र जो हैं। तो फोरम वेयर कंप्लेंट्स कैन बी इंटरटेन, जो जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स वगैरह फाइल किए जाते हैं वो देखते हैं। डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिपेंड करता है कि गुड्स की वैल्यू एंड सर्विसेज वो कैसे कैसे दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके क्या होते हैं वैल्यू डिसाइड किए जाते हैं कि कंपनसेशन कितना देना है। लिमिट्स क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसकी लिमिट है आपकी नॉट एक्सीडिंग 20 लाख, डिस्ट्रिक्ट लेवल में 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेट लेवल्स में आपका 20 लाख से ज़्यादा हो सकता है बट नॉट एक्सीड 1 करोड़। 20 लाख से ज़्यादा आपको हो सकता है, 20 लाख से ज़्यादा हो सकता है बट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टेट कमीशन में। नेशनल कमीशन में क्या होता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। जो भी कंपनसेशन होता है, जो भी फाइनेंशियली कंपनसेट करना रहता है ट्रेडर मैन्युफैक्चरर को अपने कंज्यूमर को, वो ये सारे आपके लिमिट्स दिए हुए हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिलेटेड है तो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर स्टेट लेवल से रिलेटेड है तो आपका 20 लाख से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर ये कंपनसेशन जो है नेशनल कमीशन से रिलेटेड है तो आपका ये 1 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। नाउ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन लाइज इन द कोर्ट ऑफ द फेज वेयर द अपोजिट पार्टी रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर द गेन। इसमें क्या है कि जो भी अपोजिट पार्टीज हैं कंज्यूमर के, उसमें क्या है कि उनको रिसाइड करना पड़ता है और कैरीज करना पड़ता है बिजनेस को और पर्सनली वर्क फॉर द गेन, और जो भी वर्क है वो गेन के लिए ही वो करते हैं। वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्सली एरोज, यहाँ पर क्या है कि जो भी एक्शंस वगैरह हैं वो या तो पूरे तरीके से अराइज होते हैं या तो पार्शली अराइज किए जाते हैं, जो भी कारण है एक्शंस के। डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स, विवादों का निपटान करना, खत्म करना, जो भी करना इसमें है, एंड अप करना समझ लीजिए आप शॉर्टकट में। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आक्स द ऑपोजिट पार्टी टू रिमूव द डिफेक्ट। डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है? बोलता है कि अपोजिट पार्टी को बोलो कि वो जो भी डिफेक्ट वगैरह है उसको दूर करे, उसको रिमूव करे, या तो रिप्लेस द गुड्स विथ न्यू गुड्स एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, या तो वो गुड्स को रिप्लेस करे नए गुड्स से और उसको फ्री करे डिफेक्ट, जो भी उसमें कमी है उसको दूर करे। टू रिटर्न टू द कंप्लेनेंट्स द प्राइस ऑफ द गुड्स, या तो कंप्लेनेंट्स जो भी कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया है वो कंप्लेनेंट हैं उनको या तो उस गुड्स का प्राइस वापस करे। टू पे एनी अमाउंट एज कंपनसेशन, या तो वो कंपनसेशन का अमाउंट पे करे, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम का है। अपील टू बी प्रीफर्ड विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर ये अपील क्या होता है प्रीफर किया जाता है। फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम टू द स्टेट कमीशन, जो भी ऑर्डर्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन तक इसको किया जाता है। एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम द ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन टू द नेशनल कमीशन, और जो भी ऑर्डर्स हैं वो स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन में किया जाता है। कैन इंटरटेन अपील बियॉन्ड 30 डेज ऑन सफिशियंट कॉज शोन फॉर द डिले, अगर डिले में कोई भी उचित कारण है तो उसको 30 डेज के आगे दे सकते हैं। इट हैज़ टू बी डिस्पोज विद इन 90 डेज फ्रॉम इट्स एडमिशन, जैसे उसकी एडमिशन जो भी उसकी
एक्सेस डेट वगैरह होती है उस डेट से उसको क्या किया जाता है, 90 डेज तक डिस्पोज्ड कर दिया जाता है। अगर कोई भी सफिशियंट कॉज है, कोई भी उचित कारण है तब, अदरवाइज ये 30 डेज का ही है अपील जो भी है इसमें। नाउ व्हाट आर दी राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज, खतरनाक गुड्स एंड सर्विसेज यानी हानिकारक गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन अबाउट दी क्वालिटी क्वांटिटी प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एंड प्राइस, कोई भी अगर प्रोडक्ट है तो उसकी क्वालिटी उसकी क्वांटिटी प्योरिटी स्टैंडर्ड एंड प्राइस से रिलेटेड जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन है वो कंज्यूमर राइट्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को मिलता है। एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस वगैरह हैं उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस में दिलवाता है। एश्योरेंस डैट हिज इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एट अप्रोप्रिएट फोरा, उसको विश्वास दिलाता है कि जो भी इंटरेस्ट है कंसिडर्ड एट अप्रोप्रिएट फोरा, मतलब जो भी उसके कंज्यूमर के हित में है उसको अप्रोप्रिएट तरीके से उसको दिलवाते हैं, इसमें एश्योरेंस कराते हैं, विश्वास कराते हैं। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के एजुकेशन का भी इसमें क्या है, राइट है कि जो भी प्रोडक्ट वगैरह है उससे रिलेटेड जानकारी मिले, कंज्यूमर जो है एजुकेट हों कि वो सही मैन्युफैक्चरर उसको सही दे रहा है या गलत दे रहा है, इसके रिगार्डिंग उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कंज्यूमर्स को, क्योंकि मैनी मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि गलत तरीके से अनफेयर ट्रेड कर देते हैं या तो मिसलीड कर देते हैं, जो कि अगर कंज्यूमर को जानकारी नहीं होगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे पार्ट टू में। अभी के लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।